नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी। लगातार इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर आप ये देख रहे होंगे कि खुद को कैसे आप कोरोना से बचा सकते हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत कारगर उपाय है। और यकीन मानिए, ये हम सिर्फ टीवी पर आपको नहीं दिखा रहे हैं, इसका पालन भी कर रहे हैं। और उसका सबूत यह है कि इस वक्त मैं आपके साथ दफ्तर से नहीं, मेरे घर से जुड़ी हुई हूं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से, आज लगातार ये मेरा तीसरा दिन है जब मैं वर्क फ्रॉम होम में हूं। पूरी कोशिश हमारी है कि कम से कम लोगों में काम चलाया जाए और जितना हो सके इस संदेश को सिर्फ आप लोगों तक पहुंचाए नहीं, बल्कि चरितार्थ करके भी दिखाएं। अब देखिए, बात मैं ये करने वाली हूं और खबर आपको ये बताने वाली हूं कि कोरोना को लेकर के पूरे विश्व में जो पैनिक है, लोग डरे हुए हैं, हर कोई इस वक्त ये जानने समझने की कोशिश कर रहा है कि ये दूर कैसे होगा। और तमाम बुरी खबरें हमें मिल रही हैं, जैसे इतने लोग संक्रमित हो गए, आंकड़ा बढ़ गया, मौत का आंकड़ा बढ़ गया। इन सब के बीच कोरोना कुछ सुखद चीजें लेकर भी आया है और इसे जानना आपके और हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये दिल को सुकून देने वाली खबरें हैं। कई ऐसे अच्छे काम कोरोना ने किए जिसे बड़ी बड़ी सरकार भी नहीं कर पाई। शुरुआत प्रदूषण के साथ। सैटेलाइट तस्वीरें इस वक्त जो सामने आ रही है, न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की, वो ये बता रही है कि एकदम से किस तरह से प्रदूषण कम हो गया है हमारे बीच से, कैसे जो जहरीली सांस हम ले रहे थे वो एकदम से शुद्ध हवा में तब्दील हो चुकी है। जी हाँ, बात अगर भारत की हम करें तो पिछले साल मार्च की तुलना में इस साल मार्च में पुणे और मुंबई जैसे शहरों में 45% कम है इस वक्त प्रदूषण। इसके अलावा अहमदाबाद में 50% प्रदूषण कम है पिछले साल मार्च के मुकाबले, इस साल की बात हो रही है। दिल्ली की हम अगर बात करें तो PM2.5 और PM10 अभी संतोषजनक लेवल पर है और मौसम विभाग ये बता रहा है कि अगर इसी तरह गाड़ियां कम चली सड़कों के ऊपर तो फिर आप ये मान लीजिए कि बहुत जल्द यहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अच्छे की श्रेणी में आ जाएगा। और देखिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों ने अच्छी हवा, अच्छी सांस, शुद्ध वायु शायद जमाने से नहीं लिया, तो कोरोना कम से कम इतना तो आपको करके दे ही रहा है। इसके अलावा चीन की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से चीन ही रहा। और चीन में अभी फिलहाल जो सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं, जो जानकार बता रहे हैं, वो ये है कि प्री मेच्योर डेथ जो प्रदूषण के चलते होती है, साल के अंत होने तक चीन ऐसी बहुत सी जानों को बचा लेगा, मतलब प्री मेच्योर डेथ को होने से रोक लेगा। और जानकार यही कह रहे हैं कि ये आंकड़ा कोरोना में जिन लोगों की मौत हुई है उनसे बहुत ज्यादा रहेगा, मतलब बहुत सी जिंदगियां इस साल बचने वाली हैं चीन के अंदर। तो प्रदूषण कम होना कोरोना का ये पहला असर। दूसरा बड़ा असर पानी को लेकर के है। देखिए, सैलानी इस वक्त कहीं जा नहीं रहे हैं, हर कोई अपने घरों में कैद है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और यही वजह है कि पानी बहुत हद तक साफ हो गया है, नहरें बहुत हद तक साफ हो गई हैं। और वेनिस शहर, इटली का वेनिस, बड़ा खूबसूरत शहर है, पूरे विश्व से लोग जाते हैं इस शहर को देखने के लिए और बाकायदा कसीदे गड़े जाते हैं इसकी खूबसूरती के, लेकिन पानी यहां का बड़ा अशुद्ध था। अब जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि वहां की जो नदी है उसमें बाकायदा मछलियां तैरती हुई भी दिखाई दी हैं, जिन लोगों ने तस्वीरें ली हैं, जो सुरक्षा कर्मी वहां पर हैं, क्योंकि देखिए अभी तो फिलहाल लॉकडाउन है, लेकिन जो छनकर खबरें आ रही हैं वो यही है कि वेनिस का पानी बड़ा इस वक्त शुद्ध हो गया और मछलियां तक वहां पर दिखाई दे रही हैं, तो पानी की गुणवत्ता में सुधार आया है। इसके अलावा हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ये तीसरी अच्छी खबर है। देखिए, एक दूसरे से अलग रहने के लिए हमें कहा गया है, फिजिकली हम एक दूसरे से अलग जरूर हो गए हैं लेकिन दिल हमारे आपस में जुड़ गए हैं। हमने भारत के अंदर भी देखा कि शुरुआत में पैनिक बाइंग जरूर हुई लेकिन धीमे धीमे कितनी कमी उसके अंदर आई है। लोग दूसरों के लिए सामान छोड़ रहे हैं इसलिए कि शायद वो जरूरतमंद तक पहुंच सके, लोग पैनिक बाइंग नहीं कर रहे हैं, लोगों के दिल आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं। और जो वर्चुअल दुनिया में हम जा चुके थे बहुत हद तक वापस अपनों के करीब हम आ रहे हैं, तो ये तीसरा अच्छा काम कोरोना के जरिए ही हो रहा है। इसके अलावा उद्योगपतियों को बड़े लोग गाली देते थे कि ये बस अपना ही हित देखते हैं, गरीब लोगों का समाज के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। भारत में आप देखिए, कोरोना के चलते आनंद महिंद्रा सामने आए, पेटीएम सामने आया और तमाम लोग अब सामने आकर के डोनेट कर रहे हैं ताकि इस जंग को हम जीत सके, इसके लिए फंड मुहैया करा रहे हैं, तो ये एक और अच्छा काम कोरोना ने किया है। पांचवी बात कर लेते हैं, खुद से देखिए डोनेट तो लोग कर रहे हैं, ये पैसा है, सेवा भी लोग कर रहे हैं, श्रमदान भी लोग कर रहे हैं।
ब्रिटेन और अमेरिका से ऐसी बहुत सी तस्वीर आई है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि लोग वॉलेंटियर के तौर पर सामने आए हैं और बाकायदा समूह बने हैं वॉलेंटियर्स के, जो सामने आकर के ये कह रहे हैं कि भाई देखो हेल्थ सेक्टर में लोग कम है, नर्स कम है और ऐसे में देखभाल लोगों की करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम खुद से सामने आए हैं श्रमदान करने के लिए। तो एक और अच्छी खबर है, और देखिए पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी, मैं खुद अपना उदाहरण आपको दे ही चुकी हूं कि किस तरह से 24/7 जो हमारा न्यूज चैनल चलता है, हमारा वेब चलता है, इन खबर चलता है, उसके एम्प्लॉयज को भी वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। तो आप अपनों के करीब आ गए हैं, बच्चों के करीब आ गए हैं। जो बच्चों की सबसे बड़ी शिकायत थी कि मम्मी पापा उन्हें टाइम नहीं देते हैं, आप देखिए वक्त ही वक्त है आपके पास, तो इसे जाया मत कीजिए। और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ये चीज दिखाई दे रही है कि बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ गई है क्योंकि उनके माँ बाप का उन्हें साथ मिल रहा है, और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली कोरोना के चलते आई है। एक सबसे आखिरी बात आपको मैं बताऊं गंदे रहने की और हाथ धोते वक्त बस किसी तरह से ठीकरा फोड़ देने की कि हाँ भाई, या ठेका चुका देने की कि हमने हाथ धो लिया और साफ हो गया हमारा हाथ, ये हमारी आदत में शुमार था। लेकिन आप देखिएगा कोरोना जब तक जाएगा तब तक सबको हाथ धोना जरूर सिखा करके चला जाएगा, और ये आपकी आदत में शुमार हो चुका होगा, तब तक आप इसे अपना चुके होंगे कि हाथ जब भी धोना है ठीक ढंग से धोना है, करीने से धोना है। तो जो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, कम से कम कुछ वक्त के लिए इन तमाम खबरों को दिमाग में रख करके कोरोना की इन दुख भरी खबरों के बीच में भी आप खुश हो सकते हैं।